नमस्कार। धर्मिया की खास पेशकश शारदीय नवरात्रि 2024 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा मेरे साथ, राजपुरोहित मधुर जी। मधुर जी स्वागत है आपका। सादर नमस्कार। शक्ति के 9 रूप और इन्हीं रूपों की उपासना का महापर्व शारदीय नवरात्र, और जो कि आज हम बात कर रहे हैं अंतिम दिन, यानी कि आपकी नौमी तिथि, और जो कि जिस और इसी नौमी तिथि में शक्ति के 9वें रूप यानी कि सिद्धिदात्री का रूप माना गया है, और इनकी पूजन विधि क्या कहती है, विशेष किन राशियों के लिए माँ का ये रूप अति फलदायक साबित होता है, क्या कुछ सरल उपाय हैं जिस कारण रूठी हुई माँ भगवती को आप मना सकते हैं, आइए इसी पर चर्चा करते हैं। सिद्धिदात्री माँ का रूप क्या कहता है, पहले ये जान लेते हैं। बता विशेषकर 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को माँ भगवती सिद्धिदात्री का पूजन किया जाएगा। सिद्धिदात्री हैं कौन? प्रथमम शैलपुत्री च, राजा हिमांचल के यहाँ जन्मी हुई कन्या, 8वें स्वरूप में भगवान शिव को प्राप्त कर लेती है तमाम प्रकार की तपस्या करके, और वही कन्या जब भगवान शिव और माँ पार्वती के रूप में विराजमान होती है तो समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाली हो जाती हैं। अर्थात आज के दिन माँ भगवती सिद्धिदात्री का विशेष करके पूजन होगा। सिद्धिदात्री का पूजन करते वक्त आपको ध्यान करना होगा। ध्यान किस मंत्र से करें, कैसे करें, किस विधि से करें, जिससे माँ भगवती सिद्धिदात्री का कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक शक्ति का अन्वेषण हो सके। तो आपको बताते चलें कि विशेषकर माँ भगवती का जो ध्यान है लक्ष्मी रूप में भी, क्यों? क्योंकि आज 8 दिन पूजन करने के बाद जब व्यक्ति 9वें दिन अर्थात यज्ञ के समापन की तरफ जब वह बढ़ता है तो वह यही चाहता है कि उसके जीवन में धन धान्य आदि संपूर्णतः अन्नपूर्णा के रूप में सदैव विराजमान हो और उसका जीवन यापन सुगम पथ पर चलता रहे। तो ऐसे में माँ भगवती का सुंदर श्लोकों का गायन करते हुए ध्यान करें। या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवने स्वलक्ष्मी, पापात्मनाम कृति धियाम हृदयेषु बुद्धि, श्रद्धा सताम कुलजन प्रभवस्य लज्जा, ताम त्वाम नतास्म परिपालय देवी विश्वम। आप इस महामंत्र का पाठ करते हुए ध्यान करें। भगवती का पूजन करने के लिए शिव और माँ पार्वती का सुंदर विधि से पूजन करें। माता का एक ऐसा सौम्य स्वरूप, भगवान शिव का एक ऐसा अर्धनारीश्वर स्वरूप आज के दिन पूजन होगा, जिस पूजन को करके समस्त भौतिक सुखों से व्यक्ति संपन्न होता है, तमाम प्रकार की मनोकामनाएं भी उसकी सिद्ध होती हैं। पूजन का क्रम वही होगा, जल से स्नान, साधारण जल से स्नान कराएं, तत्पश्चात मिलित पंचामृत से स्नान कराएं, फिर दूध दही घी मधुशक्कर आदि का भोग भी आज आपको लगाना है। पंचामृत से स्नान कराने के बाद जो जूठा हो जाए उसको अलग रखें, भोग लगाने वाला साफ अलग रखें। सुंदर चांदी की कटोरी में या पीतल की कटोरी में एक चम्मच लगा करके आज के दिन यदि माँ भगवती को यह पंचामृत अगर समर्पित किया जाएगा तो इस पंचामृत के समर्पित करने से तमाम प्रकार से शक्तियाँ भी प्राप्त होंगी, उसका पान करने से आपके अंदर के रोग भी दूर होंगे। अब माँ भगवती को आज के दिन पीले चंदन से समलंकृत करना है, और अगर अष्टमी को श्रृंगार नहीं कर पाए हैं तो नौमी तिथि को श्रृंगार करें। लेकिन यह ध्यान रहे कि अगर श्रृंगार आपने नौमी तिथि को किया है तो श्रृंगार करके तात्कालिक रूप से विसर्जन ना करें, यानी कि तुरंत विसर्जन नहीं करना चाहिए। माता के उस स्वरूप को, श्रृंगार वाले स्वरूप का परिवार सहित कम से कम एक रात्रि विराजमान हो, अर्थात आप दशमी को विसर्जन कर सकते हैं। अब यह श्रृंगार चढ़ाने के बाद सिंदूर आदि तमाम प्रकार से अबीर गुलाल, सुगंधित तेल, इत्र आदि चीजें माँ भगवती को चढ़ाएं, साथ ही साथ धूप दीप जलाएं। धूप दीप के साथ साथ सुंदर घी का दीपक जला करके आप माता भगवती को प्रसन्न करने के लिए सुंदर नैवेद्य चढ़ाएं। अब जो है आज का जो नैवेद्य है वो अन्न के रूप में चढ़ाया जाएगा। माँ भगवती को खीर और पूड़ी अत्यधिक पसंद है। पसंद के साथ साथ खीर और पूड़ी जो व्यक्ति चढ़ाता है और उसे गाय को भी खिलाता है और उसे बच्चियों में प्रसाद को बांटता है और परिवार में जो व्यक्ति बांटता है, तो आज के दिन भगवती की कृपा साक्षात रूप से दिखाई पड़ती है। तो खीर और पूड़ी का सुंदर भोग लगाएं, यज्ञयजन आदि अपना संपन्न करें, साथ ही साथ आप भगवती की दिव्य आरती करें, और उस आरती को करने के पश्चात आप संपूर्ण घर में उस आरती को दिखाएं, जिससे कि नकारात्मकता कहीं भी हो, पहली बात तो होती नहीं है, उस नकारात्मकता को दूर करने का एक सरलतम उपाय यही है कि आरती को
आप विधिवत पूरे घर में दिखाएं। अब जो विशेषकर इस पूजन में आज विसर्जन जो व्यक्ति करते हैं, तो जो जौ जमा होता है वहां पर जमाया गया होता है, उसको कलश पर रखे हुए चावल को और एक सुपारी को और एक सिक्के को लाल कपड़े में बांध करके आज के ही दिन अपने तिजोरी में स्थापित करें। दूसरी और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, नवमी के दिन जो व्यक्ति विसर्जन कर रहा है भगवती का, कलश पर रखा हुआ नारियल अपने घर में कम से कम 6 माह तक उसे स्थापित करें, अर्थात आने वाले नवरात्र तक उस नारियल को आपको स्थापित करके रखना है। इससे आपके घर में होने वाली अंतर कलह, तमाम प्रकार की आर्थिक परेशानियां जो हैं वह दूर हो जाएंगी। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में सदैव बनी रहेगी। आने वाले नवरात्र में वह नारियल विसर्जित हो जाएगा और साथ ही साथ पुनः दूसरा नारियल स्थापित हो जाएगा। अब जो कलश में जल बचा हुआ होगा, उस कलश के जल को उसी जौ से आप पूरे घर में छिड़कें। यदि कोई रोगी व्यक्ति हो तो उस जल का पान भी कराएं, कहीं किसी पात्र में उस जल को रख भी सकते हैं। यह विसर्जन की क्रिया अवश्य ही पूरी करें। अगर मिट्टी का घड़ा है तो उसे जल में प्रवाहित कर दें, अगर कोई पात्र है तो धुल करके उसे अपने स्थान पर पुनः सुरक्षित रख दें। आज नवमी तिथि पर यह पूजन करने से मनुष्य को उसके जीवन में आने वाली आधि व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु जैसे तमाम प्रकार के जो रोग हैं, जो काल है, वह संपूर्ण तमाम प्रकार से इन सब चीज़ों का विनाश होता है और मनुष्य अपना जीवन यापन करके गोलोक को प्राप्त होता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता है। इसलिए माँ भगवती सिद्धिदात्री का पूजन आज के दिन बेहद आवश्यक है। जो कि शक्ति में ही ये पूरी सृष्टि समाहित है, और ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूँगी शक्ति के इस रूप के से जुड़ा उपाय क्या कहता है। आज के दिन जो व्यक्ति माँ भगवती को विदा करने से पूर्व सिंदूर और चमेली के तेल, इन दोनों का मिश्रण करके अपने दरवाजे पर स्वास्तिक बनाता है और पीपल के पत्तों से बंधनवार अपने घर पर लगाता है, कम से कम 11 पीपल के पत्ते, यकीनन मानिए माँ भगवती जाते जाते उस व्यक्ति को वरदान यह दे करके जाती हैं कि इस घर में किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मकता कभी स्थापित नहीं होगी। आने वाले नवरात्र तक उस घर में एक अलग सी दिव्य ऊर्जा समाहित होगी, जिससे समस्त जातक ही नहीं उस घर में रहने वाले समस्त प्राणी अपने आप में एक अच्छा महसूस करेंगे और रोग से मुक्ति जो है, रोग मुक्त अपने आप को महसूस करेंगे। लक्ष्मी की स्थिरता भी बनी रहेगी। खासकर 12 राशियों के जातकों के लिए यह एक बिहंगम एक बेहद खास उपाय है कि 12 राशि के जातकों को यह खास करके करना चाहिए। 12 राशि के जातक आज के दिन माँ भगवती सिद्धिदात्री का यदि पूजन करते हैं तो यकीनन मानिए उनके जीवन में कभी भी स्त्री की हानि या फिर लक्ष्मी की हानि, या कह सकते हैं कि आप किसी विवाद में नहीं पड़ेंगे। तो आज का यह दिन बेहद महत्वपूर्ण है, इस महत्वपूर्ण दिन का अवश्य ही लाभ लेना चाहिए। तो सिद्धियों की दात्री सिद्धिदात्री माँ का ये स्वरूप कहता क्या है, ये तो हमने मधुर जी से जान लिया है। तो नवरात्रि के 9 दिनों की 9 तिथियां और शक्ति के 9 रूप के बारे में आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाके, यानी कि शारद नवरात्र 2024 पे जाकर जान सकते हैं और देख सकते हैं, जान सकते हैं कि पूजन विधि और मंत्र जब तक सब क्या कुछ कहता है। और इसी के साथ आपकी बार का शारद नवरात्र आप लोगों की ज़िंदगी में हमेशा की तरह खुशियाँ लेकर आए, आप लोग खूब तरक्की करें और अपना प्यार यूं ही धर्म ज्ञान को देते रहें, यही मनोकामना हम भी करते हैं। और मुझे और मधुर जी को, मधुर जी अगर आप कुछ कहना चाहते हैं दर्शकों, धर्म ज्ञान के दर्शकों को इस पवित्र नवरात्रि पर माँ भगवती का पूजन करते हुए यह स्मरण रखना चाहिए कि जिस प्रकार से धर्म के ज्ञान की प्रतिभा यहाँ से प्रकाशित की जाती है, आपके जीवन में एक ऐसा सुंदर प्रकाश हो जिससे नारी सम्मान हो सके, स्त्रियों का सम्मान हो सके, उन बच्चियों का सम्मान हो सके, समाज से बर्बरता दूर हो। धर्म ज्ञान के उन सभी दर्शकों से यह निवेदन है कि इस नवरात्र में पूजन करते हुए सदैव स्त्री सम्मान के लिए आप सदैव संघर्ष करते रहें, अपनी लड़ाई जारी रखें और जब जब नारी की, जब जब सृष्टि में स्त्रियों का सम्मान होगा, तब तब सृष्टि अपने आप में प्रदीप्तवान होगी, शक्तियां अपने आप में पुरुषों के साथ रहेंगी, यही हमारी मनोकामना है। और इसी मनोकामना के साथ धर्मज्ञान के सभी दर्शकों को इस नवरात्रि के, इस शरद नवरात्रि पर पावन पवित्र अवसर पर आप सबको मंगल शुभकामनाएं, बहुत सारा आशीर्वाद। चलिए इजाजत दीजिए, जय माता दी।